अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं करता। अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती। मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर हमसे धरना खत्म हुआ। हमारे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचा दो। बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके लोगों को रास्ते में पीटने का प्लान है। विधायक और बीजेपी के लोग लगा दिए गए हैं। हम धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। गोली चलाओ यही मरेंगे, नहीं खाली करेंगे। गांव में फाड़ दो। बीजेपी का सरकार का षड्यंत्र है। मरेंगे, गोली चलाओ, खाली नहीं करेंगे स्थान। इन्हें प्रशासन को जाओ रास्ता दे दो। बहुत बड़ी गद्दारी, रास्ता दे दो। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, यहाँ से जितने जवान हैं, ये रास्ता खाली कर दो। अपने लोगों को मरवा कर नहीं जा। आप जाओ जी, आप गोली चलवाओ। नहीं नहीं दादा, दादा नहीं नहीं, यहाँ पर सरकार से बात होगी। कोई धरना खाली नहीं होगा, गलत चीज है। मतलब बीजेपी के लोग यहाँ पे जाके लोगों को मरवाने का काम कर रहे। जो सरदार लोग यहाँ से ट्रॉलियों में बाहर जाएंगे उनको पिटवाने का काम कर रहे। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इधर बाहर चल भाई, बाहर चल, बाहर चल। इंदर एक गांव के लोग तैयार होकर आ जाओ। यहाँ पे गांव के लोग तैयार हो जाओ। इन्हें प्रकाश रहेगा लोगों के अंदर। अपने लोग अपने टेंट सुरक्षित रखो, अपना पहरा सुरक्षित रखो। गोलियां चलेगी, गोलियां खाएंगे। मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, गुंडागर्दी करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जिस तरह से लाल किले के ऊपर बीजेपी के लोगों ने ध्वज फैलाया, एक कौम को बदनाम करने की कोशिश की। ये धरना स्थल न खाली होगा, न खाली होगा। यहाँ से ही पूरे आंदोलन की लड़ाई लड़ी जाएगी। गोली चलेगी, गोली खाएंगे। जो ताकत है आप लगा दो, हम पूरा आपका सम्मान कर रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी हिम्मत कि आप बात कर रहे हैं। बीजेपी के लोग हमारे नीचे है। कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा, उसको बंधक बनाएंगे। यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बड़ा खाली बरसा था, चलो भाई अंदर। आप जाओ, जाओ गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ। चलो रास्ता लेने को, रास्ता लेने को। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इनका रास्ता ले दो है उनके पास। अपने वॉलंटियर मंच को कवर करके रहेंगे। अपने वॉलंटियर अलर्ट, अपने लोगों को ठीक रखो, शांत रहे। धरना ये चलेगा। हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। आप करो जी, इनको रास्ता दे दो। जो भी बात होगी हम कल दिन में बात करेंगे। अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी ये है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे। इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन यहाँ पे, प्रशासन यहाँ पे, बीजेपी के विधायक नीचे है। ये गुंडागर्दी चलने की। ऊपर आ जाओ जी आप। हाँ जी, चौथा लोग सब यही। इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो।
प्रशासन को, ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं। इतना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पे जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू है, तो रोने लग रहे हैं। इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार क्या होगा कि किसान पर अत्याचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहरा हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान कराया उनका। ये लोग भी रही है जो जवान है मेरे, ये बड़ा मेहरबानी करते हैं, ये स्थान खाली करते हैं, ये यहाँ से रोकते हैं, ये खाली करता हूँ। हम लाठी खाएंगे और गोली खाएंगे, आपको जो कर रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार करो। ये रात को यही बैठे हो सब लोग मत करें भाई, मेरे जवान तो ये है, हमने गलत देख लिया आपका। जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज में रोकते हैं, हमने पुलिस के कर्म देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया, लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोग के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा। मैं नहीं जाऊंगा, आखिरी दम तक यही रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही यही ये फंदा यही लगेगा। अगर यहाँ पे प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पे कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोगों के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर। आप जाओ, आप यहाँ बैठो, बैठो लंगर भंडारा चलाओ, बैठो सारे साथी, कृपया बैठ जाओ। रात यहीं पर रहेंगे सारे साथी, हम यहीं बैठेंगे। जो पीछे हैं सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा, सारे लोग बैठ जाओ यहाँ पर। आप किसान है सारे यहीं बैठेंगे, हम कोई नहीं जाएगा यहाँ से। पीछे जो साथी है सबको बुला लो, सारे नीचे आ जाओ उतर के, सारे बैठो, सारे जो डिवाइडर पर सारे साथी नीचे आ जाए, बैठो नीचे उतर कर, सारे सारे बैठ जाओ नीचे उतर कर, पीछे तक बैठ जाओ सारे। कोई कमजोर नहीं है, सारे बहादुर साथी है, जो रुके हुए जितने लोग हैं वो बहादुर रुके हैं, जितने हैं ये बहादुर कौम के लोग हैं। बैठो यहाँ पर, देखेंगे अब क्या गुंडागर्दी होगी। दिया वहां से और पंजाब में उसका बहिष्कार करा है पूरे समाज ने, जो इस तरह की कौम को बदनाम करने की कोशिष करी। और जिस तरह से जो षड्यंत्र रचा जा रहा कि बीजेपी के विधायक और एनबे लगा के अब ये धरने खत्म करवाएंगे, कल से अगर कौन ये करे कि भाई आप भी ये काम करो, मतलब हिंसा करवाना चाहते हैं ये लोग। अपना भाई मेहरबानी करके जो उस विचारधारा के लोग हैं वो यहाँ पे ना है, इसके आसपास में अभी बात कर रहे, जब बताएंगे भाई सब लोग बैठ जाओ, आप भी बैठ सकते। अरे रुक तो जा, चलिए राकेश टिकैत जी की स्पीच यहाँ खत्म हो गई, दो चीजें उन्होंने अभी बात कर रहे ना आ रहे हैं, बैठो भाई सब लोग बैठो। ये क्या आनंद प्रशासन ने बता नहीं आपको कहाँ से खबर लगी? बैठो भाई बैठो बैठो, आपको कहाँ से खबर लगी? हमें प्रशासन बताया ना, ढूंढ रहे सुबह से प्रशासन। बैठो भाई बैठो, सब साइड में बैठो भाई। साथियों सुनो, चौसठ दिन जो आपने अनुशासन अपना दिखाया है, स्कूल आंदोलन करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है। धरना स्थल पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है, धरना स्थल पे कोई झगड़ा नहीं हुआ है, यूपी स्टेट में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कोई घटना भी अगर घटित हुई है तो वो दिल्ली में हुई होगी। यूपी के प्रशासन को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो शांति से बैठे हुए किसानों को उनके धरने से हटाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमको अधिकार दिया। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मैं अपने तमाम किसान भाइयों से अपील करता हूँ, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो शांति से बैठे रहे जैसे पूर्व में बैठे थे। कोई पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशासन कोई अलोकतांत्रिक काम करता है, हम सब
एक एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। अगर प्रशासन को ये पूरे देश को हम दिखाना चाहते हैं कि कितना लोकतंत्र इस भारत में है और कितना लोकतंत्र इस उत्तर प्रदेश के शासन में है, इस धरने के माध्यम से ये तस्वीर ये क्रांतिकारी किसान साबित करेंगे देश के सामने। इस उत्तर प्रदेश सरकार का आईना और चेहरा हमको दिखाना है। आप घबराए नहीं, मुझे पता चला है कुछ भाइयों में कोई गलत संदेश चला गया है कि धरना खत्म हो रहा है। वो धरना खत्म नहीं हो रहा, धरना जारी रहेगा। प्रशासन जो जारी कर रहा है वो प्रशासन की है। हम शांतिपूर्ण तरीके से हैं। वो गिरफ्तार करेगा तो गिरफ्तारी के लिए तैयार है, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी ये ना सोचे धरना खत्म हो जाएगा। आदमी खत्म नहीं हुए हैं, जो घरों से बैठे हैं वो कल यहाँ के लिए चल देंगे। धरने पे भीड़ यहाँ कल उनसे भी दुगनी होगी, ये हमारा दावा है। ये प्रशासन की गलत फैमिली को हम निकाल देंगे। तो मेरे भाइयों से यही है, जिस धैर्य से आप आज तक हो इसी धैर्य से भविष्य में बने रहें। और जो भाई पीछे जिनको कोई गलत फहमी हुई है, जो ये सोच रहे हैं धरना खत्म हो गया, हम एक दल बनाए राकेश जी से मेरी टिकट निवेदन है, उनको जाके कहें कि धरना खत्म नहीं हुआ। धरना आज ये लोग गिरफ्तार होंगे तो कल इनकी जगह इससे दुगने होंगे, परसों इससे तिगने होंगे। इस क्रम को टूटने नहीं देंगे हम गिरफ्तारी के। धन्यवाद है किसान, धन्यवाद। आप सबने सुना है किसान साथियों, सारे आंदोलनकारी किसान नौजवान, इस तानाशाह सरकार ने लंबे समय से तरह तरह के षड्यंत्र रचकर इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। और उस प्रयास के तहत जैसा अभी हमारे नेता बता रहे थे कि कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना ना तो धरना स्थलों पर हुई, ना धरना स्थल के प्रदेशों में हुई, उसके बावजूद भी अगर ये सरकार अपने तानाशाही रवैये पर कायम है तो ये समझ लेना चाहिए कि देश का किसान भी अपने उस निर्णय पर कायम है कि ये धरना चल रहा है, धरना चलता रहेगा। और आप सबसे ये निवेदन है कि जैसा अभी बताया गया है, हमेशा किसी भी आंदोलन को संयम से जीता जाता है। आप सब ने संयम जरूर बनाए रखना है। इनकी जो मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होने देने हैं आप लोगों ने, ये आपसे निवेदन है। बाकी आगे की और जो मार्गदर्शन है हमारा, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर ये धरना जब से स्थल शुरू हुआ तभी से इस धरना स्थल का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत जी हमारे बीच में है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे आगे। हमारे गुरदयाल सिंह जी, जितेंद्र सिंह जीतू जी, मेरा सभी शेर किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी मेरे भाई खड़े हैं सब शेर भाई खड़े हैं मेरे, और हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा और चलता रहेगा। सरकार ने जो भी करना है, पुलिस ने जो भी करना है, हम तैयार हैं, लेकिन ये धरना छोड़कर नहीं जाएंगे, इसी तरह से बने रहेंगे। और हमने शांति का प्रतीक देना है, अहिंसा नहीं करनी, हमने हिंसा नहीं करनी और शांति बनाई रखनी है। मेरा सभी नौजवान भाइयों से यही बेनती है, धन्यवाद। हमारे मांगर जी, उनके बाद। जय हिंद साथियों, जैसा कि सभी हमारे मानयोग साथियों ने बोला है, हमको संयम और अहिंसा के रास्ता अपनाना है। शांतिमय तरीके से पुलिस जो भी अपना गुंडागर्दी करती है, हमको संयम ही बरतना है। याद रहे, ये गुरु नानक और गांधी का देश है, और यही इस धरने की, इस पूरी मुहिम की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसको आप सभी जानते हैं कि कैसे सरकार ने उसको डाइवर्ट करके अपनी गलती हम पर थोप दी है। लेकिन हमारे हौसले बुलंद है, बुलंद थे और बुलंद रहेंगे। इंकलाब, इंकलाब। अब मैं निवेदन करूंगा, यहाँ ब्रिक साहब हैं,